कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने सबसे बड़े निजीकरण के फैसले को मंजूरी देते हुए बुधवार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL समेत 5 सरकारी कंपनियों में विनिवेश को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि BPCL की नुमालीगढ़ रिफाइनरी सरकार के पास रहेगी। कैबिनेट ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन समेत कुछ अन्य कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी 51% से नीचे लाने पर भी सहमति जताई। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने एक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने सबसे बड़े निजीकरण के फैसले को मंजूरी देते हुए बुधवार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL समेत 5 सरकारी कंपनियों में विनिवेश को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि BPCL की नुमालीगढ़ रिफाइनरी सरकार के पास रहेगी। कैबिनेट ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन समेत कुछ अन्य कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी 51% से नीचे लाने पर भी सहमति जताई। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने 1.05 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। वित्तीय घाटे को तय दायरे में रखने के लिए भी सरकार को अतिरिक्त पूंजी की जरूरत है। सरकार इन कंपनियों में हिस्सेदारी बेचेगी। कंपनी सरकार के मौजूदा शेयर बिक्री की योजना BPCL 53.29% मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर के साथ सरकार नुमालीगढ़ रिफाइनरी को अपने पास रखेगी। इसमें BPCL की 61.65% हिस्सेदारी किसी अन्य सरकारी कंपनी को ही बेची जाएगी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 63.75% मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर के साथ। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 54.80% मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर के साथ। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 74.23% मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर के साथ NTPC को बेची जाएगी। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन 100% मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर के साथ NTPC को बेची जाएगी। 3 स्टेट कंपनियों में हिस्सा बेचने से सरकार को कितनी रकम मिलने की उम्मीद BPCL 63,000 करोड़, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2,000 करोड़, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 10,800 करोड़। BPCL के एसेट्स 4 रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी बिक्री में शामिल नहीं, 15,177 पेट्रोल पंप, 6,011 LPG डिस्ट्रीब्यूटर। कैबिनेट ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए अगले 2 साल स्पेक्ट्रम फीस का भुगतान टालने की मंजूरी भी दी। उन्हें अगले 2 वित्त वर्ष सिर्फ ब्याज देना होगा। इस फैसले से 2020 से 21 और 2021-22 में भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो को कुल 42,000 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। हालांकि 2 साल की बकाया किश्तों का भुगतान बाद में करना होगा। कैबिनेट ने 1.2 लाख टन प्याज के आयात की मंजूरी भी दी।